दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू के गांधीनगर से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आपको बता दे चले कि एक कार जो है वो बहुत ही बड़े डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुई है और इस पूरे हादसे में लगभग 2 के करीब लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हादसा इतना ज्यादा भयानक है कि जिसे अगर आप देखेंगे तो जनाब आपकी भी जो है वो रूह कांप जाएगी और आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से पूरा हादसा पेश आया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू के गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क के पास एक क्रेटा कार जो है वो डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुई है और जिसके बाद लोगों की बात करें तो लोग भी समय यहां पर हैं। हरियाणा नंबर की ये कार है और वीडियो को जितना हो सके जनाब शेयर करें ताकि जो भी लोग इस गाड़ी में सवार हैं उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके। HR03AA9584 नंबर की ये कार जो कि जम्मू के गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क के पास जो है वो सड़क हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत किस तरह से यहाँ पर जो है वो इस समय बनी हुई है। और गाड़ी की बात करें तो गाड़ी पूरे तरीके से खून से जो है वो लथपथ है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में 2 लोग सवार थे जो कि बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ पर ये हादसा पेश आने की क्या कुछ वजह है इसके बारे में कोई भी किस तरह की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन दोनों लोग काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जम्मू जिले की गांधीनगर पुलिस द्वारा जो है वो GMC जम्मू में इस समय जो है वो शिफ्ट किया गया है और दोनों की हालत जो है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में माता रानी के आगे दुआ करें कि जो भी लोग इस पूरी गाड़ी में सवार थे और जो लोग इस पूरे हादसे की वजह से घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सही सलामती से अपने घर जो है वापस लौट सके। लेकिन क्रेटा कार है जो कि हरियाणा नंबर की कार है और जम्मू के गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क के पास ही एक बहुत ही बड़ा डेंजरस एक्सीडेंट हुआ है और जिसके बाद लोगों की बात कर तो लोग भी यहां पर इस जब गाड़ी की हालत को यहां पर देख रहे हैं तो हर कोई यहां पर इस गाड़ी की हालत को देखकर हैरान हो रहा है कि आखिरकार कितना बड़ा ये सड़क हादसा जो है पेश आया है। हादसा पेश आने के पीछे के क्या कुछ वजूहत है इसके बारे में फिलहाल जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। लेकिन गाड़ी का फ्रंट साइड और टायरों की हालत देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बन चुकी है और गाड़ी के एयरबैग तक जो है वो खुले हुए हैं और ये आप देख सकते हैं गाड़ी की लाइटें वगैरह जो है वो किस तरह से पिछली सीट पर यहाँ पर आ गई है। ऐसे में आप सब लोगों से कहेंगे कि जब भी गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं। देख सकते हैं कि गाड़ी का एक एक पार्ट यहाँ पर किस तरह से बिखर चुका है और बहुत बड़ा सड़क हादसा जो कि शायद ही आप भी जो है वो पहली बार ऐसे हादसे को देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं कि गाड़ी जो है वो शायद वहां से इधर के लिए आ रही थी लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है वो फुटपाथ पर चढ़ी है और जिसके बाद यहाँ पर पेड़ के साथ जो है वो जाकर टकराई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ है यहाँ पर किस तरह के हालात इस समय यहाँ पर बन चुके हैं। लेकिन जनाब आप सब लोगों से ये कहेंगे कि जब भी आप लोग गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस पूरी गाड़ी में सवार थे उनके परिजनों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो उनका हाल जानने के लिए GMC जम्मू में पहुंच सके। 2 लोग गाड़ी में सवार थे, ह्युंडई की क्रेटा कार है, HR03AA9584 नंबर की ये कार जम्मू के गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट एरिया में बहुत ही बड़े डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हो गई है और इस पूरे हादसे में 2 के करीब लोग जो है वो इसमें घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें फिलहाल पुलिस की मदद से GMC जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर डॉक्टर्स की कोशिश है कि उन्हें जल्द से जल्द बेहतर ट्रीटमेंट देकर उनकी जान को बचाया जाए। रात के लगभग 1 बजे के करीब का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है जिसमें एक क्रेटा कार जो है वो रात को यहाँ पर जो है वो ना जाने ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते डेंजरस एक्सीडेंट का शिकार हुई है और गाड़ी के पार्ट्स आप देख सकते हैं। अभिषेक जी दिखाइएगा कि किस तरह से गाड़ी के पूरे पार्ट्स जो है वो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है वो बिखरे पड़े हैं और गाड़ी की हालत की बात करें तो गाड़ी की हालत पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गई है। आप सब लोगों से एक बार अपील है कि जब भी जनाब गाड़ी चलाएं तो धीरे चलाएं क्योंकि जम्मू में ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में जगह के जम्मू की बात करें कठुआ सांबा की बात करें तो हर जगह पर इस समय जो है वो धुंध देखने को मिल रही है और ऐसे में सड़क हादसों का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है। तो लिहाजा गाड़ी को जो है वो धीरे चलाएं ताकि इस तरह के दर्दनाक सड़क हादसे जो है वो देखने को ना मिले। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।